फेल्ट ड्यूरिंग दिस डिस्कोर्स, जो अभी डिस्कशन हुआ, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीजें जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमको मार्केटिंग के द्वारा बेची जा रही है, और क्योंकि अभी किसी ने उसको बहुत रिगरस प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए लोगों को उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। नहीं नहीं साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है बेटा, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसको रिलीजियसली फॉलो करके और उसके उसको एकदम अपने यू नो प्रैक्टिस में ले आए, तो मुझे तो लगता है कि वो व्यक्ति ठीक होने की बजाय बीमार हो जाएगा, जो कि आपने अभी समझाया। वो बीमार होता ही है, बीमार होता ही है, और बाद में ऐसे लोगों को कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि शायद ये मेरा कर्म। मुझे करना क्या है लाइफ में? कोई भी जो आपका नेचर है, मेन नेचर है, जो आम की प्रॉपर्टीज है, मैंगो कितना भी सोच ले कि मैं केला हूँ, वो कभी भी केला नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। एक ह्यूमन की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी उसमें है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी उल्लू का पट्टा ये बोल रहा है कि तुम महान हो, तुम सिकंदर हो, तुम ओशन हो, तुम ड्रॉप हो, लेकिन तुम्हें ओशन बनना है, ये सब सोचने की चीज़ नहीं है। जो आपका नेचर है, जो आप नेचर से दूर हो, नेचर में आना है बेटा। एक लेडी कह रही थी, एक हमारे स्टूडेंट ने मुझे एक क्लिप भेजा सोने के लिए टिप्स, मैंने कहा देखते हैं, एक मिनट सुना होगा। लेडी क्या कह रही थी, बहुत रिलीजियस है और बहुत शांति से बोलती हूँ, कह रही थी सोने के पहले प्रेयर करो, अफर्मेशन करो, क्या करो, मैं महान हूँ, मैं यूनिवर्स के हर एक कण में हूँ, विद्यमान हूँ, बस इतना ही सुना है मैंने। मैंने सोचा कि ये अभी कह न दे कि मैं सिकंदर हूँ, काट दिए। आप सोचो सोने के पहले कोई भी व्यक्ति, इतनी स्पिरिचुअल हो आप, यदि आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की स्टेबिलिटी सिखा रहे हो कि मैं महान हूँ, मैं ओशन हूँ, मैं समुंदर हूँ, मैं यूनिवर्स के हर कणों में विद्यमान हूँ, इतना थॉट लाएगा तो सो पाएगा वो। सोने के लिए थॉट नहीं लाना पड़ता, सोने के लिए थॉट को छोड़ना पड़ता है। तुम उसको थॉट को छोड़ना सिखाओ, थॉट को क्यों पकड़ा रहे हो कि तुम महान हो, तुम दुष्ट हो, तुम सिकंदर हो, तुम लोदी हो, तुम भगवान हो, क्यों बता रहे हो उसको भाई? क्या वो भूल गया है वो सिकंदर है, या वो पूरे यूनिवर्स में कैसे फील करेगा कि वो यूनिवर्स के हर कणों में है? पर नहीं, हम लोग स्टेबिलिटी में मास्टर हैं, हम लोगों को खुद पता नहीं है। और मैं 100% मतलब देख करके बता सकता हूँ कि सुन करके, कि ऐसा व्यक्ति शायद खुद नहीं सो पाता। ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या वो खुद नींद ले रहा है बेटा? ये सिर्फ बोलने के लिए बोलता है। अफर्मेशन से यदि आप ये सोच लेंगे कि हम बहुत पैसे वाले बन गए, तो जो पैसे वाले बने हैं मार खा खा करके, ईगो को ख़त्म करके, और आप यहाँ बैठ करके 2 घंटा या 8 घंटे सोच करके पैसे बन जाएंगे, इम्पॉसिबल। इसके लिए कितना नेचर को विनम्र करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन से जाके पूछो कितनी विनम्रता लानी पड़ती है, अपने प्यून से भी वो कितना प्यार से बोलता है। आप घर में जाके देखो ना, आप घर में डील करते हो तो जो आपके हेल्पर हैं, आपको कितनी विनम्रता से बोलना पड़ता है। अब वो महाभारत का युग नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़े रहोगे, वो कल को डांटोगे आज, कल को छोड़ के चला जाएगा। तो आपको विनम्र रहना पड़ता है, आपको अपने नेचर को बेहतर करना पड़ता है। गुस्सा भी करता है तो सोच प्यार से बिठाते हो, बेटा शांति रखो, तुमको जरूरत तो नहीं, तुमको धन भी थोड़ा सा दे देते हैं कि भाई पैम्परिंग कर दो। क्या मैनेजमेंट है? ये मैनेजमेंट नहीं है, अपने लिए ही आप मैनेजमेंट, स्वार्थ के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो। बिजनेस ऐसे होता है, धन आप ऐसे कमाते हो, ऐसे सोच के नहीं आ जाएगा, सोच के ब्रेन फटता है, ऐसे नहीं फटता बेटा। तो ऐसे अफर्मेशन कर करके लोग पगलाते हैं। मेरे पास तो बहुत आते हैं ना अफर्मेशन वाले, जाप वाले, अफर्मेशन वाले, जिनकी हार्ट बीट बज रही है यहाँ सिर में, जो चक्र जगा चुके हैं, पांचों चक्र, ऐसे चक्र जगा जगा के जब पगलाते हैं तो फिर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको सांस का अनुभव ही नहीं हो रहा है, चक्र जग गया है, अब बताओ कैसे बोलूं? तो हमने कहा आँख तो कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना चाहिए कि हम भ्रांति में पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, रॉन्ग चीजें देख करके ज्ञान का अभी मतलब अभाव के कारण ये पहले से फिर परेशान होते हैं। ये पहले से
ऐसा नहीं कि आज है, बुद्धा के समय में बुद्धा ही निकले ना बेटा, बुद्धा के समय में उस पीरियड में कितने सक्सेसफुल प्रीचर रहे होंगे जो इंस्टेंट सक्सेस में रहे होंगे। आज आपको बुद्धा ही दिखते हैं, महावीर जी दिखते हैं, दैट्स इट। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बुद्धा के पीरियड में सिर्फ बुद्धा ही रहे होंगे, एक से एक बदमाश रहे होंगे जो बुद्धा को नीचा दिखाते रहे होंगे, लेकिन उनकी फॉलोइंग कम थी। वो तो बाद में मरने मराने के बाद कोई एक किंग आए, उनको फिलासफी जंच गई तो उन्होंने फैला दिया, अदरवाइज उनका तो फैलाने का भी कोई नहीं था। वो अपना जहाँ पे ज़्यादा बकवास के क्वेश्चन होते थे वहाँ वो चुप हो जाते थे कि भाई हम बोलेंगे ही नहीं, छोड़ो क्या करेंगे बोल के बताओ, लड़ेंगे तो क्या कर लोगे। मैं जब 15-20 साल पहले, तो 2000 के पहले, मुझे लगा कि ये सब बकवासबाजी लोग कर रहे हैं ना, इनका विरोध करना शुरू कर दो। 2-4 साल मैंने खूब विरोध किया, बाद में रियलाइज़ किया कि मैं उनकी तरफ क्यों जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, विरोध करके मैं करूँगा क्या, मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो सब ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, रास्ता मेरा नहीं है ये, मैं इस रास्ते पर नहीं जा सकता। तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू किया तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ आप तक, नहीं तो मैं ऐसे विरोध करता रहता। तो विरोध वाली शायद सिद्धांत मेरे लिए अप्लाई नहीं, हो सकता है और किसी के लिए हो पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं डेफ्थ को बता पा रहा हूँ, राइट। मैं ये पूछ रही हूँ, यदि व्यक्ति एक कॉमन मैन है, उसको नहीं पता कि आज के जमाने के गौतम बुद्ध कौन है, कौन किसकी जो किसको फॉलो करके वो व्यक्ति अपने लिए कुछ फायदा कर सकता है, तो वो एक कॉमन मैन कहाँ से शुरू करे और गलत चीजों से कैसे बचे। कॉमन मैन को ये मत समझो कि वो कॉमन मैन है, कॉमन मैन सबसे बड़ा अनकॉमन बुद्धि को रखे हुए है बेटा। कॉमन मैन को अभी रोग आने दो, संघर्ष करने दो, प्रॉब्लम में आने दो, फिर उसके बाद वो कॉमन सेंस को समझता है। एक कॉमन मैन को उठा लो जो सिंपल है बहुत, वो सबसे बड़ा फैंटेसी में मास्टर मिलेगा, मैक्सिमम फैंटेसी वही करते हैं। क्या करते हैं, सत्यनारायण की कथा चल रही है, ड्यूरिंग सत्यनारायण की कथा ऊपर से उसके सोने के गुच्छे भी गिर रहे हैं, सोने की बालियां भी निकल आ रही हैं। ड्यूरिंग कथाएं 2 घंटे क्या खुशियां होती हैं, बाद में ढाक के 3-5 सब राख हो जाता है, लेकिन फिर भी सत्यनारायण की कथा चल रही है। मतलब मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं, आप सारी मेहनत फैंटेसी में क्यों लगाए हैं, सारी मेहनत मैनेजमेंट में लगा दो, वृत्तियों को मैनेज करने में लगा दो, तो आपका बाहर भी खुश अंदर भी खुश, क्योंकि दोनों चीज़ें खुश हो रही हैं ना बेटा, हेल्थ भी तो मिल रही है, माइंड भी स्वस्थ हो गया। लेकिन कॉमन मैन को ये कहोगे कि भगवान बुद्ध मिल जाए, तो भगवान बुद्ध को क्या, भगवान बुद्ध के समय में सबको मिल गए थे क्या वो? भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के भाई ही उनको मारने के चक्कर में थे, भगवान बुद्ध के भाई जो बगल में बैठते थे सबसे, ये तो हम रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, अदरवाइज भगवान के बुद्ध के भाई ही उनका गला काटने के चक्कर में थे। तो क्या कह लोगे आप मुझे बताओ, उनके बगल में जो बाएं हाथ में बैठता था आदमी वही भगवान बुद्ध को नहीं समझ पाया, तो कॉमन मैन को क्या बताओ। और भगवान बुद्ध के मरने के बाद सारे शिष्यों में लड़ाई हो गई तो कितने संप्रदाय पैदा हो गए। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स होने चाहिए, पर बेसिकली मेरा मानना है कि अपने पर फोकस करो, जितना अपने पर फोकस कर लेंगे उससे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने से रोग पैदा होते हैं, जैसे शरीर को कंट्रोल करते रहो, हठ योगी 99% हठ योगी रोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को ही कंट्रोल करने के चक्कर में कि शरीर हमेशा जिंदा रखेंगे। अब शरीर आत्म हमेशा कैसे जिंदा रहेगी बेटा बताओ, क्योंकि शरीर पर फोकस्ड है, एक्सेस फोकस्ड है, तो उनको लगता है कि अब हृदय गति वो रोक देंगे, हृदय गति कभी बंद ही नहीं होगी। क्रिया योग में एक गुरु हैं योगानंद जी, बहुत अच्छे, अब आप देखो कि वो 65 में या ऐसे समथिंग में चले गए। कई गुरु हैं जो शरीर छोड़े बट उनके शरीर अभी तक हैं, शरीर फ्रीज किए हुए हैं कि वापस आ जाएंगे। बाय द वे मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता, पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि
हम जिस शरीर को कह रहे थे कि ये शरीर किसी काम की नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाने दो, हम उसी को फ्रीज किए बैठे। बताओ ना, हम उसी को हमेशा ज़िंदा किए बैठे कि नहीं, हम वापस आएंगे शरीर में, शरीर में आएंगे। तो बेसिकली जितना हम अपने आप को समझते जाएंगे, चित्त वृत्ति दृष्टा दृश्य, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है। और जितना समझेंगे रियल एजुकेशन, उतना ही प्रैक्टिकल एजुकेशन ऑटोमेटिकली होता है। फैमिली में जिससे जिससे मिलते हो, क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर में वो दिखता है, प्रीचिंग से नहीं दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी। आप हाथ भी उठाओगे तो एक अच्छा प्रैक्टिशनर समझ जाएगा कि इसमें कितनी स्थिरता है। आपके शब्द भी निकलेंगे तो एक अच्छा प्रैक्टिशनर समझ जाएगा कि वास्तव में ये डीपर लेवल पर है, अभाव इसने छुआ हुआ है, अभाव को अनुभव किया। और मेरे पास तो बहुत सारे भक्ति वाले लोग आते हैं ऐसे ही है। सर, मैक्सिमम फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी मेडिटेट इन अ डे? मतलब दिन में जो एंग्जियस ब्रेन या जिनकी जिनका चित्त बिना वृत्ति के रह पाने में असमर्थ है, पल भर भी बिना वृत्ति के नहीं रह पाते, उनको एक्शन में रहना चाहिए और एक्शन में रह करके अभाव को सीखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ कि प्रैक्टिस करो, सांस लो और छोड़ो, तो सांस की कोई इमेज नहीं है, सांस को फील करो। फील करोगे तो इमेजलेस हो जाओगे। तो ड्यूरिंग एक्शन आप रिलैक्सेशन का मतलब अभाव सीख रहे हो। तो जब आप अपने एक्शन में सीखोगे, बोलते समय सीखो, चलते समय सीखो, काम करते समय सीखो, किसी से डिस्कशन करो और हॉट डिस्कशन तक ले जाओ और फिर वापस लाओ, उसको ऐसे डिस्कशन पे ले जाओ कि हॉट हो जाए, वो बिल्कुल एग्रेसिव डिस्कशन हो जाए, और फिर अपने को लाओ, कितनी खुशी होएगी आपकी मेमोरी में, इतनी अच्छी फीडिंग होएगी कि आपको लगेगा यार मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पहले फैमिली में लड़वा दिया करता था और वापस आता था तो बाद में बताता था कि ये लड़वाया था। अपने स्टूडेंट्स में डिस्कशन करता हूँ मैं और उनको ऐसे लेवल पर ले जाता हूँ, फिर वापस लाता हूँ। तो ये सब पहले गुरु लोग करते रहे होंगे, आप तो हम तो नहीं जानते, पर अगर मैं छोटा सा आदमी ये सोच सकता हूँ तो जो अच्छे 90-90 साल के 100-100 साल की प्रैक्टिस रही होगी गुरुओं की, वो कितना करते रहे होंगे। तो बाय द वे करते ही रहे होंगे ना वो। तो ये सब बिना प्रैक्टिस के आपके मेमोरी में परमानेंट फीड नहीं होगा। अगर आप सोचें कि ऐसे बैठ करके और घंटों घंटों तक अभाव की अवस्था में चले जाओगे तो ये सोचना छोड़ दो। पहले एक्शन में रिलैक्सेशन ढूंढो, भाव में अभाव ढूंढो। क्लियर? एक आखिरी सवाल गुरुजी। बोलो। अभी जो हम अभाव की बात कर रहे हैं तो एक मेरी जानने वाली हैं, उन्होंने कहीं मेडिटेशन सीखा जिसमें टू डिलीट द मेमोरीज, उन्होंने कि कोई भी घटना है आप अपने जैसे 5 साल से आपको याद है तो 5 साल से 15 साल तक की मेमोरीज को आप वो सारे दृश्य याद करो और फिर कहो कि डिलीट हो गया, एक डिलीट बटन दबाओ, एंड डू द सेम थिंग फॉर 30 टाइम्स एट लीस्ट, 30 टाइम्स जब तक कि वो सीन याद आना बंद ना हो जाए। ऐसे लोग ज्यादा डिजीज में रहते हैं, कुछ दिनों में और डिजीज में आएगी। एक एग्जांपल दूं, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, एक डिजाइनर है हमारे, उनको ओसीडी वगैरह थी, मैंने सब ठीक किया तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए। जब से मैं दिल्ली में आया हूँ वही कुर्ता बनाते हैं, बहुत अच्छे नेचर। उनका गुरु जी, आपने तो डिलीट की व्यवस्था बताई, तो उन्होंने भी एक डिलीट की व्यवस्था बताई थी जो आप लोग सब जानते होंगे कि आप पूर्व जन्म में ले जाएं आपको, तो आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख आपने झेला हुआ, वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो उनको एक माता जी आई और ले गई पीछे। अब वो जब पीछे गए तो उन्होंने कहा, जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं USA में पायलट था और द्वितीय युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं मारा गया और जल जल के दुख से मरा,
और आज मैं शरीर में जितने कष्ट भोग रहा हूँ वो उसी की वजह से है, क्योंकि मैं पेन में था तो आज सारे पेन वही हैं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तो सब ख़त्म हो गया? तो कहें हाँ, उसको तो डिलीट मार दिया। तो हमने कहा अब तो जब से डिलीट मारा है तब से तो ज़्यादा पेन, जब से कम 20 सर्जरी तो आप स्पाइन की मेरी देखी देखी करवा चुके हो। तो कहें वही है, अभी भी डिलीट नहीं हो पाया, लेकिन अभी डिलीट कर रहे हैं, फिर दो चार सेशन लेंगे तो डिलीट हो जाएगा। हमने कहा कहीं आप न चले जाएं, छोड़ो डिलीट करते करते कोई भी चीज़। ये सब ठीक है, स्टुपिडिटी है, हम विरोध नहीं करना चाहते कि मेरी ही फिलॉसफी सी ठीक है, बट कोई भी चीज़ जो मेमोरी में एक्सपीरियंस के थ्रू आई है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, उसके इम्पॉर्टेंस को कम कर दोगे तो आप पर रिएक्शन नहीं देगी। जैसे बचपन में कोई माता पिता के साथ इंसिडेंट हुआ हो, आपको मेमोरी में आए, तो अगर आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो हो सकता है आप रोने लगें उस इंसिडेंट को याद करके, लेकिन आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं तो रोएंगे नहीं, वो आएगी और आप हटा देंगे बहुत ईजीली। बहुत सारे मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं जो हटाने में कामयाब हैं। कुछ लोग कामयाब थोड़ा पॉजिटिव साइड में देख करके कर लेते हैं, कुछ लोग ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये डेड है, इसमें इमोशन नहीं निकालेंगे, तो वो इमोशन ही नहीं निकालते, बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं यदि एग्जांपल दूँ तो मेरे पिताजी जिस दिन गए उस दिन मैंने सारे कर्तव्य किए, साथ साथ उसी दिन मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा, और जो जो एक्सपेरिमेंट करने थे सारे किए, फैमिली के साथ सब कुछ, लेकिन मेरे पिताजी गए हैं और वो भी मैं कर रहा हूँ। मैं बताना नहीं चाहता कि क्या क्या किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परेशानी आपके सामने खड़ी हो, गलत सिचुएशन या गलत सही सिचुएशन कुछ नहीं होता, एक ऐसी सिचुएशन जो फेवरेबल नहीं है आपके पास, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई फिर भी आप अपने मैनेजमेंट में लगे हैं, कभी भी आपकी मेमोरी आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि आप फ्लो में नहीं बहते, आप जब चाहे स्टोरी में घुसते हो, जब चाहे स्टोरी को ब्रेक करके स्टोरी से बाहर आ जाते हो। सपने क्या करें जिसे नींद में सपने ना आए। जितना सोने के पहले चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दोगे, चित्त की वृत्तियों को शांत कर दोगे सोने के पहले, सोच लो कि अब हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने की जितनी स्किल पैदा कर लोगे, छोड़ने की स्किल अगर नहीं आई और आपने वहाँ प्रेयर शुरू किया, लेना देना बिजनेस शुरू किया, कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे। जैसे रिपीटेशन मना है तो ओंकार भी एक नाद या मंत्र है, उसको जब हम करते तो वो भी तो रिपीटेशन हुआ। हाँ बिल्कुल रिपीटेशन, पर फिर वो सही, एक रिपीटेशन होता है आप विल से करते हैं, एक रिपीटेशन आपने ट्रेन कर दिया है कि चलते फिरते रिपीट हो रहा है। जैसे बचपन में मैंने एक अपने ब्रेन में फीड किया, मैं कुर्सी पे बैठता था और अपने पैर को हिलाता था, जैसे नहीं कुछ लोग बैठे रहते हैं हाइपर लोग तो पैर को हिला रहे होते हैं, तो हमने माइंड में फीड किया कि ये पैर अननोइंगली हिलता रहेगा, ऊपर अप डाउन करता रहेगा, थोड़ी देर में वो अप डाउन करता रह गया। अब मैं इधर उधर काम कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कांप रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ देखो ये कितना गजब का मैंने ट्रेन किया। अब थोड़ी देर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बंद हो जाए, हाथ से नहीं माइंड से, वो बंद नहीं हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ, फिर भी मैं खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना ट्रेन कर दिया है सबकॉन्शियसली। फिर थोड़ी देर के बाद हमने हाथ से पकड़ा, दबा दिया, रुक गया। द सेम वे आप माइंड में चित्त में इतना रेपुटेशन की आदत बना देते हो कि बाद में वो रोकने से भी नहीं रुकता, पहले खुशी मिलती है, ओम से शक्ति आ गई, क्या नॉलेज आ गई, क्या ब्रेन शांत हो गया, फिर बाद में पता चला वो ओम ही ओम चल रहा है, क्योंकि हम तो भूखे लोग हैं, हम तो किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो कंटिन्यूस करते हैं दिन भर 24/7 करते हैं, तो 24/7 के चक्कर में जब ब्रेन फटने लगा उस ओम से तो फिर भागते हैं, कहाँ इलाज मिलेगा, तब भागते हैं ना, फिर इजीली इलाज मिलता नहीं, तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं तुम ढंग से नहीं कर रहे हो ओम, और श्रद्धा लाओ और भक्ति लाओ। अब वो भक्ति लाए कहाँ से बेचारा, कहाँ से भक्ति लाए, अब वो भक्ति और लाएगा
तब तक वो भक्ति लाने में उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेंटाइटिस भी हो रहा है, और भक्ति ला रहा है, और श्रद्धा कर रहा है, और सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिया, तब तक और डिजीजेस थायराइड भी हो गई, क्योंकि भाई ओम ओम करेगा तो यहीं से करेगा, तो ओवर एक्सेस वर्क होने लगा इसका भी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 3.5 घंटे से, अगर मैं यहीं फड़फड़ाता 3.5 घंटे में, तो 2-3 साल के बाद डिजीज हो जाएगी। पर यहाँ पर मुझे मालूम है कहाँ पे रेस्ट देना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे स्टोरी को ब्रेक करना है। भले ही 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटा हो गया, उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरी प्रियोरिटी मैं हूँ, अभी इस समय आप हैं, लेकिन साथ साथ मैं अगर नहीं रहूँगा तो मैं दूंगा कैसे बेटा? तो प्रियोरिटी तो मैं ही रहूँगा। अगर मैं एक्सपीरियंस करता रहा तो मैं रेपिटेटिव चीज़ या किताबों वाली चीज़ नहीं दूंगा, मैं अनुभव करते हुए दूंगा, इमीडिएट एग्जांपल निकाल के दे दूंगा, क्योंकि सब चीज़ घटना घटित हो रही है इस समय भी।